तो वो वाले भैया जिसको मैंने राखी पहनाई थी, मतलब मेरे ताऊ के लड़के है शायद। हेलो हाँ, यहीं पे हूँ मैं। हेलो, तो आज मेरा ये है कुछ इस तरह से। अंजलि अंजू ब्लॉग से कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा और सभी आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अंजलि अंजू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ और स्वस्थ हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ मैं मेरे गांव से, और देख रहे होंगे आपको कुछ तैयार गेटअप थोड़ा चेंज है, साड़ी वगैरह पहन रखी है। तो हम अभी गणेश महोत्सव में जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे आगे, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो अभी हम आ रखे हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। तो पहले भोजन करते हैं, भोजन उसके बाद ब्लॉगिंग करते हैं। और अभी हम गणेश महोत्सव से आ गए हैं, वहाँ पे कार्यक्रम तो चल ही रहा है, मतलब अभी जारी है। तो हम लंच करने के लिए आए, लंच करने के बाद हम जाएंगे सीधा नीचे फिर से। तो आप हमारे साथ बने रहेगा, जुड़े रहेगा और वीडियो को इंजॉय कीजिएगा। तो मैं अपने ताई जी को मिल रही हूँ पूरे 2 महीने बाद। तो मैं आई अपने बड़ी लोगों के घर आ गई, और अब दिखाती हूँ मैं आपको अपने ताई जी लोगों का घर, और देखते हैं क्या क्या होता है यहाँ पे। और अभी आ रही हूँ घर, दिखाती हूँ आपको सबसे पहले अपने ताई जी लोगों का। तो ये है पीछे घर हमारा, ये है चाय मो बिरफी, और ये यहाँ पे मंडुआ है। बड़ी यहाँ पे मंडुआ निकाल रही है। अरे बड़ी कायो ये कोद वाले, थोड़ा अपने गढ़ वाली भाषा बोलनी चाहिए वाले। तो ये है गढ़ ये कोद अरे ये है कोद, ये कोद वाले, और ये फाड़ना फाड़नी मेरे बड़ी। अब दिखाण तुम्हें अनियन कर दे, कोई अनियन ये देख फा कुठली बड़ी ये तो यन कर दे को दे नी, और ये नियन कुट देते नहीं ये देखा। और मैं ना अपनी भाषा नहीं मैं बुला, मैं अपने ससुराल वाले की भाषा बुलाना, क्या कहें कि तुम मेरी भाषा नहीं होने समझवा, मेरी भाषा ये नहीं कि तुम समझवा नहीं होने। और ये मेरी बड़ी को तो कुटना लगी ये देखा। हाय बड़ी को सबको, खुश रहो खुश रहो, तुम्हारा YouTube चैनल आगे बढ़े। और अब ये इसने ये है मेरे बुआ, इसने बोला था 2 मिनट में आ गई बल में, दो खो क्या छोड़ ले क्या। मैं आ गई हूँ अपने भैया के घर। तो वो वाले भैया जिसको मैंने राखी पहनाई थी,
मतलब मेरे ताऊ के लड़के हैं शायद। हेलो हाँ यहीं पे हूँ मैं। हेलो गाइस। भैया ने आपने भैया को पहले कभी देखा? बहुत जगह देखा होगा आपने। मतलब बहुत जगह नहीं देखा, रक्षाबंधन में देखा। तो दिखाती हूँ अपने भाई का गांव का घर, मार्केट का घर तो देख रखा शायद आपने। और ये है हमारे भैया जी लोगों का गाँव का घर। और ऊपर से मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी मैंने पिछली बार, अगर हो सके तो अभी भी दिखाऊंगी। ऊपर यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब लकड़ी का बना हुआ है, तो दिखाऊंगी मैं आपको यहाँ ऊपर 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 दिखाऊंगी। अभी थोड़ा मैं कहीं जा रही हूँ तो बाद में दिखाऊंगी अगर अंधेरा ना पड़े तो, क्योंकि जड़ भूली जाला दुख सुखी जाला इन भी दिन आलू सभी पहाड़ आला इन भी दिन आलू सभी घर आला जन्म करम सुफल के हमारी दीदी जी है गायिका आशा अग्रवाल जी, जो कि आज हमारे गांव में आ रखी है और इन्होंने बहुत ही इंटरटेन किया है सभी पब्लिक को और बहुत अच्छा गाती है दीदी जी। तो दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आप हमारे गांव में आए और सभी लोगों को बहुत इंटरटेन किया आपने। अंजलि अंजू ब्लॉग से कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा और सभी लोगों के साथ बने रहे, इन लोगों के साथ। मैं आशा अग्रवाल आप सभी सेवा सुविधा। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ पंडाल में और यहाँ पे आशा जी के गाने चल रहे हैं, आशा अग्रवाल जी के, तो सुनिए आप और इंजॉय कीजिएगा। फ्रेंड्स इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।